65 से अधिक देश कंट्रीब्यूट कर रही है इस इंडस्ट्री को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर विश्व में भविष्य के लिए बिजनेस के रूप में फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आएगा। इस बिजनेस में बताया जा रहा है जिसमें फ्यूचर है, बहुत सारे इसके अंदर संभावनाएं हैं और बहुत कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर। जीवन के सारे लाइफ फलसफा हर चीज इसके अंदर छुपा हुआ है। बिजनेस को भविष्य का सुनहरा बिजनेस करार दे चुके हैं कई कंट्रीज इसको। आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में करीब 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड, इससे भी ज्यादा है, और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इंडस्ट्री है ये। नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया के साथ कई देशों में इसने अपनी छाप को छोड़ दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 160 से अधिक देशों में प्रत्येक जो 7 लोग करोड़पति है उसमें से 5 करोड़पति सिर्फ एमएलएम बिजनेस से होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। माना जाता है कि इंडिया के अंदर 1992 में शुरू हुआ था इस इंडस्ट्री को, जो पहला नॉलेज आया था बिना पूंजी का व्यापार इस कंट्री के अंदर आया था। भारत के पास एमएलएम का सबसे ज्यादा संभावना है। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के कारोबार, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस भारत है हमारा। बहुत सारा कंज्यूम होना है यहाँ पे चीजों का, क्योंकि हम अभी तरक्की कर रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर, इतना ज्यादा पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर निगाहें बैठाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 95% जो मिडिल क्लास की जनसंख्या है, जो वो क्वालिफाई करती है फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि एमएलएम का जो जन्म हुआ है, इस इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ है, एक आम आदमी के लिए हुआ है, यानी ये हमारे आपके लिए इसने पैदा लिया है, यानी ये राज मोहम्मद के लिए इसने पैदा लिया है इस इंडस्ट्री ने, अगर सही कहूं तो। सही कहूंगा मेरे लिए, मेरे को जरूरत थी, आया मेरे पास, मुझे नहीं पता इसकी किसकी जरूरत थी, किसको करना था नहीं करना था, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा अगर ये बना है, ये सारा चक्रव्यूह रचा गया होगा अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर आया होगा, तो अगर ये मेरे पास आया तो इसका मतलब ये मेरे लिए बना है, क्योंकि मेरे को बहुत जरूरत थी इसकी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत बड़े सपने थे मेरे पास। सच्चा दिल रखता था, ईमानदारी से काम करना चाहता था, मेहनत मेरे पास बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैंने देखा था मेरे फादर बहुत मेहनती आदमी है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। मैंने कहा यार ये गुण तो मेरे अंदर भी है, बहुत मेहनत कर सकता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर इस धरती के ऊपर जन्म हुआ है, और ये जितने लोग ने भी कामयाब किया इस इंडस्ट्री को, सबको सलाम, क्योंकि उनकी वजह से ये मेरे पास आना था। हो सकता है आपके लिए बना हो चाहे नहीं बना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए जरूर बना है ये मेरे लिए जरूर बना है। माय डियर फ्रेंड, आम आदमी का सपना जायज तरीके से ईमानदारी से पूरा हो सकता है, तो वो है एमएलएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज बिजनेस। अगर ये टाटा बिरला का बिजनेस होता तो वो लोग कर रहे होते, वो लोग प्लानिंग कर रहे होते, वो लोग मीटिंगें कर रहे होते। इसका मतलब ये हमारा आपका बिजनेस है, हमें आपको करना है, और ये बार बार आप ही के पास आएगा, घूम फिर कर कहीं ना कहीं आप ही को घेरेगा, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि आप बहुत सच्चे दिल है, आपका जो दिल है ना अंदर बैठा हुआ, बहुत ही ईमानदार दिल बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं कोने में कामयाबी इंतजार कर रही है एकदम फुटने के लिए, इसलिए बार बार नेटवर्क मार्केटिंग आपको घेरेगा। कभी ऊपर वाला उसको भेजेगा, कभी उसको भेजेगा, कभी उसको भेजेगा, कभी मेरे को भेजेगा, कभी मोइन को भेजेगा, कभी राज, पता नहीं किसको, अंसारी, पता नहीं किसको भेजेगा आपके पास, भेजेगा जरूर। आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे के पास आएगा, आएगा आप ही के पास, आप ही के इर्द गिर्द घूमेगा। कुछ भी कर लो, आज मत करो, आप लोग वेस्टिज मत करो, 2 साल बाद 3 साल बाद फिर घूम के आएगा आप ही के पास, आना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि किसका है, हमारा होगा, मेरी कंपनी, मैं मालिक, क्योंकि वो मालिकाना हक से आएगा आपके पास। यार आप लोग, yes. नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म ही हुआ है, वेस्टिज का इस धरती पे आना ही तय ये है कि ये इसको हम और आप करेंगे, और ये हमारे आपके लिए बना हुआ है। बात समझ में आ गई? yes. तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इसका डिमांड है,
और 21वीं सदी में सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग, अखबारों की कटिंग, नव भारत टाइम्स, इंडिया टुडे, जितने भी मैगजीन्स हैं टाइम टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लेख आया हुआ है इसके ऊपर। मेरा ये स्लाइड फेवरेट है जो मैंने बनाया था। ये देखिए कहाँ कहाँ ग्रोथ हो चुका है इंडिया में, जैसे इसकी अभी इतनी ग्रोथ है और ये यहाँ पर लड़ाई लड़के जैसा भी है, मेरे जैसे कुछ लीडर्स हैं, मेरे जैसे विजनरी लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, और ये धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये ग्राफ इस जगह पर आएगा और अगर आप और हम लगातार लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में रहेंगे, लर्निंग एटीट्यूड से एडमिशन लेंगे वेस्टिज में, हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे वेस्टिज का, तो माई डियर फ्रेंड जब ये ग्राफ यहाँ पहुंचेगा तो हम और आप कहाँ होंगे ये आप सोच सकते हैं। ग्राफ को बढ़ना है, ग्राफ को बढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं। इस इंडस्ट्री की ताकत बता रहा हूं मैं अभी। अभी आपका बिलीफ सिस्टम मना करेगा इस बात को, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है इस इंडस्ट्री के प्रति, कि जब ये ग्राफ यहां पर पहुंचेगा, जब ये अपने चरम सीमा पे आएगा, तो उस वक्त हेलीपैड वाला छत अपना होगा, हेलीपैड यानी हम खुद अपना हेलीपैड बनाएंगे। इतना पोटेंशियल है इस काम के अंदर, इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये, इतना बड़ा कारोबार है ये वेस्टिज का, राइट। आगे इस बात को समझते हैं, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है इसको भी समझना जरूरी है, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है इसको समझना जरूरी है। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, समय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मेन आता है ना, लोग कहते हैं समय नहीं है, क्यों नहीं है, बेच दिया, फंसे हुए हैं। मैं भी फंसा हुआ था, रात के 12 बजे तक पेट्रोल पंप पे, 12:30 तक घर पहुंचता था। माय डियर फ्रेंड क्यों बेच दिया, कहां बेच दिया, नौकरी या दुकान या खेती, छोटे मोटे काम में एजेंट इधर उधर कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, राइट। काम पर जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए समय नहीं। बच्चे पालने हैं, बहुत कंडीशन खराब है, कर्जे में है। मैं भी था, ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं था, मैं कोई अगर टाटा बिरला का बच्चा होता तो मैं आपके सामने थोड़ी होता, यानी मैं भी आप ही का कहीं ना कहीं आप ही से रिलेट करता हूं, आप ही के बीच में से हूं, तभी तो आपसे मिल पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। अगर मैं टाटा बिरला का बच्चा होता या कहीं मैं और 4 लाख पर मंथ कमा रहा होता तो क्या आपसे मिल पाता, नो चांस। बात समझ में आ रही है आपको, इज दैट क्लियर। पैसा सीमित है, 95% भारतीयों की आमदनी 5,000 से 50,000 रुपए पे है, बिल्कुल सही है, महीना है। इस महंगाई के दौर में जब घर खर्च ही इतनी मुश्किल से चल रहा है, तो क्या इतनी आमदनी से हम अपना मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, बच्चों को हायर एजुकेशन या सामान्य शिक्षा, बच्चों की अच्छी शादी कर पाएंगे, ये सवाल है हमारे सामने, नो। क्योंकि जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसकी उतनी ही ताकत है एक्चुअली में, वो इतना ही दे सकता है, इससे ज्यादा आप उसमें कितना भी टैलेंट झोंक दो, आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई झोंक दो, आप कितना भी एक्सपीरियंस झोंक दो, उसका नतीजा उतना ही आएगा जितना वो बनाया गया है। जितना गन्ने में जूस है उतना ही निकलेगा, चाहे आप 10 बार उसको रगड़ दो, साफ निकलेगा उतना ही जिसका उसके अंदर है, कितना भी आप मोड़ चुमोड़ कर लपेट दो उसको, कितना भी, क्योंकि बना ही उतना ही सिस्टम के लिए है, वो उसके आगे उसकी इजाजत नहीं है कि आपकी लाइफ में एकदम उछाल लगा दे, एकदम बड़ा सा कुछ कर दे, ऐसा नहीं बनाया। आर्थिक सुरक्षा, जितना पैसा हम कमाते हैं क्या उसका आनंद लेते हैं, आंसर है नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जरूरत है, बच्चे की शादी, कहीं पढ़ाना लिखाना है तो एडमिशन के लिए 50,000, 1,00,000, 2,00,000 चाहिए, राइट। आज तो आमदनी है, कल होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, यानी आर्थिक सुरक्षा क्यों, क्योंकि 95% भारतीयों के पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। हमारे दादाजी ने और उनके भी दादाजी ने लगभग उम्र भर नौकरी, दुकान, खेती, प्रोफेशन में काम किया, उसके बावजूद आज हमारे पास समय, पैसा, आर्थिक सुरक्षा है क्या, सवाल है यहां पर, जवाब है यहां पर। मान लो हम वो आने वाले पीढ़ियां
मान लो हम व आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करती रहे तो क्या उनके पास समय पैसा आर्थिक सुरक्षा हो पाएगा? No. कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, दुनिया का कोई माँ बाप। सारे माँ बाप के ये ड्रीम होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से और अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हमारा जीवन का जीने का मकसद क्या है? हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, इज दैट क्लियर? यस। उनको हम चाहते हैं एक से एक बढ़िया चीज देना। जो हमारे ड्रीम पूरे नहीं हुए उनके ड्रीम पूरे करने की कोशिश करते हैं, हम करते हैं। मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिस सिस्टम में हम फंसे हुए हैं, जिस बिलीव सिस्टम में हम फंसे हुए हैं, क्या वहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं? No. हम कहते हैं सपने देखो, सपने देखो, देख के भी क्या कर लेंगे? क्योंकि जो सिस्टम जितना दे सकता है उसके आगे उसकी ताकत ही नहीं है, औकात ही नहीं है उस सिस्टम की। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि वाय वेस्टिज। वेस्टिज क्या है? वेस्टिज को जब मैंने देखा, नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने देखा, तो इसमें एक मेरे को बात समझ में आई इस इंडस्ट्री के अंदर, कि आपका अगर टाइम ब्रेक होता है और मैन पावर ब्रेक होता है आपके नीचे, अगर आपका टाइम ब्रेक होता है, मैन पावर ब्रेक होता है, तो आप अमीर बन सकते हैं। और टाइम ब्रेक करने के लिए, मैन पावर ब्रेक करने के लिए आपके पास एक तरीका है, वो है इंडस्ट्री लगाने का। आप इंडस्ट्री लगाइए, आप टाइम को ब्रेक कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री लगाइए, मैन पावर को ब्रेक कर सकते हैं। तो जब आपके नीचे टाइम ब्रेक होगा, जब नीचे मैन पावर ब्रेक होगा, तो आप अमीर बन जाओगे, क्योंकि उसके अंदर ताकत है टाइम ब्रेक करने की, मैन पावर ब्रेक करने की, बढ़ाने की उसके अंदर ताकत है, एक्सपेंड वो हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes. तो मुझे जब बात समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि अगर मुझे टाइम ब्रेक करना है, मैन पावर ब्रेक करना है, तो करोड़ों अरबों रुपया लगाना पड़ेगा, वो मेरे पास है नहीं, और मेरे जैसे करोड़ों भाइयों के पास करोड़ों अरबों रुपया, खरबों रुपया नहीं है, वो इंडस्ट्री लगाएं और टाइम ब्रेक करें, मैन पावर ब्रेक करें। तो जब मुझे समझ में आया, बिना पूंजी का व्यापार, बिना पैसे लगाए आप टाइम ब्रेक कर सकते हैं, मैन पावर ब्रेक कर सकते हैं, और यहां पर आप अमीर बन सकते हैं। तो जब ये बात मेरे खोपड़ी में समझ में आ गई, तो मैंने उसी दिन से इस फॉर्मेट पे काम चालू किया। आज मेरे नीचे टाइम ब्रेक भी है और मैन पावर ब्रेक भी है। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टिज आपको क्या देता है? टाइम ब्रेक और मैन पावर ब्रेक, बिना किसी को तनख्वाह दिए हुए, बिना किसी को सैलरी दिए हुए, बिना किसी को अपॉइंटमेंट किए हुए, आप, आपके नीचे टाइम ब्रेक हो रहा है। ये ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की, इसीलिए लोग इसमें कम समय में जल्दी से जल्दी अमीर बनते हैं। इज दैट क्लियर? यस। चाहे आप कोई भी हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, कितने पढ़े लिखे हैं आप, नहीं पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेस्टिज को। सिर्फ आपका एक डिसीजन कि मुझे वेस्टिज में सिस्टम में रहना है, स्टूडेंट बनना है। जब आप स्टूडेंट बनेंगे तो अपने आप आपके नीचे टाइम ब्रेक हो जाएगा, मैन पावर ब्रेक हो जाएगा अपने आप। क्योंकि जो पेड़ आंधी तूफान में बच जाता है, फल फूल उसी पे लगते हैं। तो अगर आप बच गए वेस्टिज में, तो आप ही के नीचे टाइम ब्रेक होगा, मैन पावर ब्रेक होगा। बात समझ में आ रही है? Got my point? Yes. चलिए, फ्रीडम। वेस्टिज क्या है? फ्रीडम का बिजनेस है, आजादी का बिजनेस है। आजादी सबको पसंद है? Yes. अच्छा लगता है? Yes. आजादी में क्या एक मस्ती है, जीवन जीने का आनंद है। इस धरती पे आपको बड़ा फक्र होगा कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, तो अगर आजादी से जी रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। आजादी यानी किसकी आजादी, किस किस चीज की आजादी? तो माय डियर फ्रेंड, आजादी की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले टाइम फ्रीडम की आजादी, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए आए हैं और हमारे समय ही सबसे, यानी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके ऊपर किसी तरह का किसी का सिकंजा कसा हुआ ना हो, आपके ऊपर